मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका सासेन गेट। तो अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी गुड आफ्टरनून हो गया है। तो मेरा गुड मॉर्निंग बोल बोल के इतना मतलब क्या आदत से हो गया है, तो मैं गुड मॉर्निंग बोल दिया। लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होगा तब गुड आफ्टरनून हो चुका होगा, तो सॉरी गाइस फॉर दैट। एंड आज का जो ये वीडियो है मैं पहले ही बोल चुकी थी कि हम लोग कोलकाता जाने वाले हैं शादी अटेंड करने। हमारा एक्चुअली दो शादी अटेंड करने का प्लान था, एक देवर जी के और एक ननंद जी के। तो देवर जी के शादी अभी पोस्टपोन हो गया है। रीज़न ये है कि मामा जी के बेटे के शादी होने वाला था, तो उनको जो मामा जी है उनका तबीयत ख़राब है और वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो जब मामा जी हॉस्पिटल से आ जाएंगे तब शादी का फिर प्लान होगा, फिर डेट्स वगैरह फिक्स होगा। तो इसी कारण अभी एक शादी पोस्टपोन हो गया और हम सिर्फ ननद के शादी में जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा सब कुछ प्री प्लान था एंड हम टिकट्स वगैरह भी कर चुके थे, फ्लाइट्स टिकट्स वगैरह, तो इसीलिए हम कैंसिल नहीं कर पाए। तो हम जा रहे हैं अटेंड करने। ऐसे भी दोनों ही फंक्शन एक ही साथ था तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा जो प्लान था कोलकाता जाने के जितने दिन का वो फिक्स ही है। तो अब हम मतलब आज हो गया ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को ब्लॉग कर रही हूँ एंड हम जाएंगे थर्सडे मॉर्निंग को। तो मेरा पैकिंग कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं मतलब क्या पैकिंग करूँ कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कितना साड़ी लूँ, क्या साड़ी लूँ, मतलब कौन सा मेन फंक्शन का साड़ी तो कंफर्म है, बाकी कितना साड़ी लूँ क्या करूँ ये सोच सोच के दिमाग ख़राब है। तो आज का ये वीडियो वही है, मैं पैकिंग में क्या क्या पैकिंग कर रही हूँ वही दिखा रही हूँ आपको। ऐसे हम मतलब हमारा लगेज ज़्यादा मतलब होने वाला है, इसलिए हम जो टिकट्स किए थे वो अलग अलग करके टिकट्स किए थे ताकि हमें ज़्यादा लगेज का मतलब मिल जाए, क्योंकि पर पर्सन तो 15 kg है। तो हमारा जो जाने वाला है चीज़ वो कितना होने वाला है वो तो मुझे पता भी नहीं है। तो अभी मेरा टेलर में भी अभी तक 2 ड्रेस और 1 ब्लाउज़ अभी भी है जो मुझे कल लाना है जाके, तो वो लाने से वो भी पैकिंग होगा। लेकिन कुछ पैकिंग तो आज करना ही है क्योंकि टाइम नहीं है और बहुत सारे पैकिंग है। मेरे जो भी मतलब क्या मेकअप किट्स वगैरह वो मैंने पैकिंग कर लिया है, मतलब पैकिंग वो पहले से ही रहता है पाउच में, तो वो सब कुछ है, सब कुछ पैकिंग है। बाकी जो ज्वेलरी वगैरह है, गोल्ड ज्वेलरी जो है वो थोड़ा कैरी करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो भी पैक होना बाकी है। बाकी जो छोटा मोटा ऐसे ही ज्वेलरी है वो मैं नीचे रखी हूँ, यही मतलब ये देखिए नीचे यहाँ पर रखी हूँ वो रेड वाला पाउच में, बड़ा वाला पाउच में। तो वो भी ये सब भी बैग में जाने वाला है, तो ये भी पैक होगा। कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं अकेली पैक नहीं कर सकती, मुझे बैग पैक करने के लिए मेरे हस्बैंड की मतलब हेल्प चाहिए और वो अभी काम पे है, तो वो रात को आएंगे। तो बेसिकली जो कुछ मुझे लेना है मैं सिर्फ वो रेडी करके रखूँगी, जब वो आएंगे काम से तब वो मुझे हेल्प करेंगे पैक करने के लिए। ऐसे मेरे से अकेले में पैक नहीं होता। तो चले देखते हैं क्या क्या लेने वाली हूँ मैं। तो बेसिकली मैं खुद ही बहुत सारे चीज़ कैरी कर रही हूँ, लाइक मेरे मैं बड़ा सा एक पर्स लेने वाली हूँ, उसके साथ एक मतलब बैग भी ले रही हूँ शोल्डर बैग, और उसके साथ मेरा एक एक्स्ट्रा ट्रॉली बैग भी जा रहा है। तो बेसिकली ज़्यादा सामान मैं ही ले रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ आपको हालत क्या हो के रखा है। आप लोग देख पा रहे हो उसका हालत क्या है, मैं इसे ठीक कर कर के मतलब हालत ख़राब हो गया था। मैंने सोचा कि पहले सारे शादी ख़त्म करके अटेंड करके आ जाऊँ, फिर आराम से बैठ के इसको मतलब क्या ठीक करके रखूँगी। ये देखो ये पहाड़ बनते जा रहा है, एकदम ऊपर तक हो चुका है और जगह नहीं है। और जब नया साड़ी आएगा पता नहीं है वो कहाँ मतलब कहाँ पे रखूँगी। मैं ऐसे हैंगर में साड़ियाँ रखी थी तो ये टूट गया क्योंकि वो वेट संभाल नहीं पाया। वेट ना संभालने का रीज़न ये भी है, मैंने एक एक हैंगर में 3-4 साड़ियाँ एक साथ रख ली। क्या करूँ, इतना साड़ी है कि पता ही नहीं चलता कहाँ रखूँ कैसे रखूँ। लाइक मतलब मेरा वो जो ट्रॉली बैग्स वगैरह है ना बेड के नीचे, इसमें भी मैं ड्रेस वगैरह भर के रखी थी। अभी शादी में जाना है तो इसीलिए वो भी खाली करके अभी ड्रेस वगैरह कहाँ रखूँ ये सोच सोच के दिमाग ख़राब है, क्योंकि मेरा जितना भी ड्रेसेस वगैरह मैं वो ट्रॉली बैग में रख लेती थी, और अभी ये तो फुल है यहाँ पे भी नहीं रख सकती, कहाँ रखूँगी वो नहीं पता। देखते हैं क्या क्या निकाल रही हूँ। प्लीज़ कोई कुछ भी मत सोचना, इसका हालत ऐसे देख के मैं क्या करूँ, मतलब हो जाता है नहीं हो पाता। तो देखो ना इसका अंदर कितना
मतलब साइड में भी जगह नहीं है, वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ रखी ही हूँ। तो ये है स्वयंवर, हमारे यहाँ कटक में नया ओपन हुआ है स्वयंवर। तो हम यहाँ से मेरे हस्बैंड शॉपिंग किए हैं शादी के लिए, संगीत फंक्शन एंड मैरिज में पहनने के लिए यही स्वयंवर से शॉपिंग किए हैं। क्या शॉपिंग किए हैं वो मैं नहीं दिखाऊंगी, वो डायरेक्ट अब शादी में वो जब पहनेंगे तभी देख लेना क्योंकि अगर पहले से दिखा दूंगी तो फिर ये ठीक नहीं है, उनका चीज़ तो मैं ऐसे नहीं दिखा सकती, तो इसीलिए मैं सिर्फ ऊपर से दिखा दी। यहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छा कलेक्शन है स्वयंवर में, नया ही ओपन हुआ है कटक में। तो पहले सब मतलब क्या निकाल लेती हूँ फिर वीडियो बनाती हूँ। तो ये है मेरा रिसेप्शन का साड़ी, मैं आपको रिसेप्शन का फोटो दिखा देती हूँ पहले। ये है मेरा रिसेप्शन का फोटो, ये है, और ये है मेरी रिसेप्शन की साड़ी। मतलब 3 ईयर के बाद ये मैं पहनने वाली हूँ। मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं ये ड्राई क्लीन करने एक ही दिन पहनी थी, फिर मैं इसे ड्राई क्लीन के लिए मतलब भेज दी थी। तो इस बार शादी में मैं यही पहनने वाली हूँ। मुझे बोले कि नए ले लो, मैंने कहा नहीं, मुझे ये रिसेप्शन की साड़ी ही पहनना है, ऑल बिकॉज क्योंकि अब ना पहनूँ तो और ऐसा कुछ सिचुएशन है। अगर मैं इसे यूज़ नहीं करूँ ना, ये बहुत हेवी बनारसी साड़ी है, तो इस बनारसी साड़ी को अगर ऐसे शादी में फंक्शन में ना पहनूँ तो नहीं पहन सकती। किसी भी नॉर्मल फंक्शन में ये पहन के जाने के लायक नहीं है, बहुत हेवी है एंड क्या बोलूँ, मतलब शादी के फंक्शन के लिए ही बेस्ट है। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, इस शादी में मुझे ये पहनना ही नहीं, तो ये मैं नहीं पहन पाऊँगी। ऐसे भी 3 ईयर हो गया नहीं पहनी हूँ अभी तक, मतलब ऐसा कुछ मतलब फंक्शन ही नहीं हुआ जो जिसमें मैं ये पहन पाऊँ। तो इस बार प्लान है इसे मैं लेके जाऊँगी, बाकी क्या निकाली हूँ देखती हूँ। तो ये एक साड़ी है, ये लेके जाने वाली हूँ, ये कब पहनूँगी वो मुझे नहीं पता, इसका ब्लाउज इसके अंदर ही है। चलो अच्छा है, ब्लाउज ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 2 साड़ी, और एक ये वाला साड़ी, ये साड़ी भी लेके जाऊंगी। इसका ब्लाउज आई थिंक मम्मा ने मुझे बना के दिए थे, 3-4 ब्लाउज उसके अंदर ही होगा। और यहाँ पर भी है 2 साड़ी, ये वाला जो साड़ी, ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ संगीत फंक्शन में। इसका जो ब्लाउज़ है वो रेड कलर में है और बहुत ही सुंदर है, और ये फिक्स है मैं कब पहनूंगी बोल के। एंड ये एक साड़ी है ब्लैक एंड रेड का बनारसी, ये भी कब पहनूंगी नहीं पता लेकिन लेके जाऊंगी। तो ड्रेस भी निकाल चुकी हूँ, ये जो ड्रेस है, ये एक ड्रेस है, ये लेके जाऊंगी। ये मैंने उल्टा करके इसे फोल्ड किया है तो नहीं दिखा पाई क्या है क्या का ड्रेस है, लेकिन और मतलब फोटोज़ में अगर मैं देखे होंगे तो उसका ये है चुन्नी, उसका पैंट कहाँ है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा मैं कहाँ रखी हूँ। और ये एक ड्रेस लेने वाली हूँ, और एक ड्रेस भी लेने, हाँ यहाँ पर है, ये भी लेने वाली हूँ। ये मैं कैसे कैसे करके फोल्ड की है, ये भी उल्टा फोल्ड किया हुआ है मतलब ये उसका चुन्नी और ये उसका पैंट है, तो ये भी लेने वाली हूँ। और भी साड़ी लेना है, ये एक है इसमें पैक करना है, और एक बड़ा वाला वो नीचे है वहाँ पे भी पैक करना है, और इसके अंदर भी और एक लगेज है, या इसमें भी सामान जाएगा, इसमें भी पैक करना है। ये नया वाला है, ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है, मतलब किस किस में जा रहा है चीज़ें वो मैं दिखा रही हूँ। और एक ये तो मेरा हैंड पर्स जा ही रहा है, इसमें तो बहुत सारे सामान आ जाता है, ये तो जा रहा है, तो और एक चीज़ भी जा रहा है। ये सब मेरे मैं कैरी करने वाली हूँ, और एक बैग मैं इसे ऐसे पैक करके रखी हूँ क्योंकि ये नया खरीद के लाई हूँ ना, बस इसी कारण निकाल ही नहीं, लेकिन ऑलरेडी इसमें कुछ सामान मैं रख चुकी हूँ। और ये बैग भी जाने वाला है मेरे साथ, ये भी फूल जाएगा, वो भी फूल जाएगा, ये भी फूल जाएगा। एक्चुअली बेसिकली इसमें, इस ट्रॉली बैग में, मैं आपको दिखा रही हूँ इसका साइज़, इस ट्रॉली बैग में, इस रेड बैग में और इस गोल्डन पर्स में, ये तीनों में ही मेरे सामान जाने वाला है। और बाकी और भी सामान निकालना है अभी, मतलब कहाँ कहाँ रखी हूँ मुझे याद नहीं है ठीक से। मेरा जो सैंडल है वो भी मैं कैरी करने वाली हूँ, नया वाला कैरी करने वाली हूँ, और जो है वो मैं पहन के जाऊँगी। बाकी हाँ,
यहाँ पर ब्लाउजेस है, मैं आपको ब्लाउजेस दिखा देती हूँ। मेरे मम्मी ने मुझे अब सिलवा के सारे ब्लाउज मम्मी के सिलवाए हुए। आई होप मैं ब्लाउज नहीं, ये और एक साड़ी निकल, हाँ ये एक साड़ी है जो कि मैं हल्दी में पहनने वाली हूँ, रेड एंड येलो में। पता नहीं मैंने ब्लाउज आई थिंक इसके अंदर रखा है, कल कुछ सामान इधर उधर करके रखे थे। ओ गॉड, मैं आई थिंक मैं सब आज तोड़ फोड़ कर दूंगी। देखती हूँ इसका पहले क्या हालत हुआ, थोड़े देख लूँ, अगर कुछ बुरा हाल हो गया तो फिर गई मैं काम से, फिर से एक नया लाना पड़ेगा। ये देख लो, हाँ यहीं पर ही है ब्लाउजेस। इसके अंदर क्या है थोड़ा देख लो, नहीं ये नहीं है, हाँ ये एक और एक ड्रेस है इसका जो ऊपर का है, मतलब ये पैंट एंड चुन्नी है, इसका ऊपर का गया है टेलर के पास फिटिंग्स के लिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी सामान वगैरह है ये सब जाने वाला है, आई थिंक ये सब है, नहीं ये जो सब है ये सब मतलब हम गिफ्ट के लिए, गिफ्टिंग है सबके लिए, गिफ्ट्स है। और ये एक ड्रेस जाना, ये भी मैंने उल्टा करके रखा है, ये भी लेने वाली हूँ मैं। मैं आपको ब्लाउज दिखा रही थी, तो ब्लाउज देखते हैं, सब मेरे मम्मी ने बनवाए हुए। ये जो ब्लाउज है ये मम्मी ने नहीं बनाया, ये रेडीमेड ही था इस येलो साड़ी के साथ। सुंदर है ना, बहुत प्रीटी ब्लाउज है। ये जो ब्लाउज है हाईनेक में है, नहीं सॉरी हाईनेक नहीं है, बोट नेक है, बोट नेक में है। और ये रेडीमेड था इसके साथ, इसका एक रनिंग ब्लाउज पीस भी था लेकिन वो बिल्कुल प्लेन है, और ये रेडीमेड बिल्कुल एकदम क्यूट सा है। तो ये साइड कर देती हूँ, अभी दिखाती हूँ मम्मी ने जो मुझे बनवा के दिए हैं। वो जो पिंक वाला साड़ी था, वो पिंक वाला साड़ी का ये है ब्लाउज, एंड ये क्यूट सा बो पीछे पीठ में।